अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। आज मैं आप लोगों से स्विस रोल विदाउट ओवन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। आज मैं आप लोगों से स्विस रोल बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ विदाउट ओवन। तो इसे बनाने के लिए जिन इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत है, उसमें मैंने दो अंडे ले लिए थे, जिसको मैंने वाइट उसका पार्ट अलग कर लिया था और योक को मैंने अलग कर लिया था। इसके अलावा मैदा हमें चाहिए 6 टेबलस्पून्स और कोको पाउडर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून्स। मैंने इन दोनों को इकट्ठा ही यहाँ पर डाल दिया है। दूध हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी हमें चाहिए 8 टेबलस्पून्स। आप चाहें तो घर में जो चीनी आपके पास है आप उसे पीस कर यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस हमें चाहिए 1/4 टीस्पून और व्हिपिंग क्रीम हमें चाहिए 1 कप। इसके अलावा चॉकलेट हमें चाहिए फॉर टॉपिंग। एक पैन को मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया है और चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो दो अंडे मैंने लिए थे उनकी सफ़ेदी को मैं इस बॉल में डाल रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से बीट करना है। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विस्क की हेल्प से भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से बीट हो चुका है और फ्लफ़ी हो चुका है। अब यहाँ हम इसमें अपने ये एग योक्स भी ऐड कर देंगे। अब एग योक्स के साथ ही हमें ग्रेजुअली अपनी इस पिसी भी चीनी को, जो कि मैंने 8 टेबलस्पून की है, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें ऐड करना है। अब यहाँ अपनी चीनी को ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब हमें चाहिए अपना मैदा। मैदे को हम सिफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। आप किसी भी चीज़ में इसे सिफ्ट कर सकते हैं। चलें जी, ये अच्छे से सेव हो गया है। अब हम अपने इस मैदे को एग वाले इस मिक्सचर में ग्रेजुअली ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आपको इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड मेथड के साथ। उस
इससे क्या होगा, आपका जो बैटर है बहुत ही स्मूथ और फ्लफी बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये जो मैदा था इस एग वाले मिक्सचर में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और यहाँ हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस और इसके साथ ही जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसे बनाने वक्त जो भी चीज़ें आप यूज़ करें वो सब रूम टेम्परेचर पर हों। आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुका है और अब ये बिल्कुल रेडी है पैन में जाने के लिए। तो चलिए अब इसे पैन में डालते हैं। अब हम अपने इस ग्रीस किए हुए पैन में अपने इस मिक्सचर को डालेंगे। मेक श्योर आपको इसको इवनली स्प्रेड करना है। That's it. और आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5-10 मिनट के लिए इसे कवर कर कर रख देना है। अब यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम एक टूथपिक की हेल्प से देखते हैं। आप देख सकते हैं इट्स ऑल क्लियर, हमारा स्विस रोल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जी अब जब तक हमारा स्विस रोल रेडी होता है हम तब तक इसकी आइसिंग को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ली थी। इसे अच्छे से बीट कर लेना है अनटिल स्टिफ पीक्स। अब इसे 5-6 मिनट तक अच्छे से बीट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। आप इसे उलट के देखें, अब इट्स ऑल रेडी। अब तब तक के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे चिल होने के लिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था और अब मैंने इसे एक क्लिंग के ऊपर इस तरह से निकाल लिया है और जो व्हिपिंग क्रीम हमने चिल होने के लिए रखी थी वो भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी आइसिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आइसिंग लगाने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से रोल करना है। अब आप इसको दोनों साइडों से फोल्ड कर कर फ्रिज में 15-20 मिनट तक के लिए रखते हैं। 10-15 मिनट इसे फ्रिज में रखने के बाद मैंने अपने स्विस रोल के ऊपर इस तरह से चॉकलेट को ड्रिजल करके इसे काट लिया था और आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।